रायसेन थाना कोतवाली के अंतर्गत ग्राम निहालपुर में खेत में मिली नवजात बच्ची की हालत में अब सुधार है। जिला अस्पताल SNCU में इस बच्ची की देखरेख की जा रही है। वहीं नवजात बच्ची अब खतरे से बाहर है। जन्म के कुछ घंटों बाद ही किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इस बच्ची को खेत में चल रहे पानी में फेंका गया था, जिसके कारण देर तक यह बच्ची कड़कती ठंड में ही पड़ी रही थी। इससे बच्ची हाइपोथर्मिया बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। हाथ पैर अकड़ गए थे पर सांसें चल रही थी। इस पर 100 डायल ने मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल और चालक द्वारा इस बच्ची को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा बच्ची को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। वहीं डॉक्टर द्वारा बताया गया था कि बच्ची की जीवन के लिए 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। जिला अस्पताल के RMO डॉक्टर यशपाल सिंह वाल्यान ने बताया कि अब बच्ची धीरे धीरे रिकवर हो रही है, वहीं उसकी हालत में भी सुधार है। SNCU में बच्ची की पूर्ण रूप से देखभाल की जा रही है। वहीं बच्ची अब खतरे के मुंह से बाहर है। थाना कोतवाली प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू ने बताया कि कोतवाली की टीम गांव में पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है, पर अभी तक नवजात बच्ची को फेंकने वाले का पता नहीं चल पाया है। कल जब उसे लेके आए थे तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, हाइपोथर्मिया से ग्रसित थी और अभी उसके उपचार के पश्चात स्थिति में सुधार है। उसे SNCU में रख करके हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जा रहा है। अभी पूरी तरह स्वस्थ है सर? पूरी तरह तो नहीं, मगर सुधार है काफी। हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसकी देखभाल कर रहे हैं, बच्ची का इलाज कर रहे हैं, नर्सेस नर्सिंग ऑफिसर्स देखभाल कर रही हैं। हाँ ठीक है, रिकवरी अच्छी है, इम्प्रूवमेंट काफी है उसमें।